जय श्री राम दोस्तों, समाधान प्लस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि यदि आप शीघ्र विवाह करना चाहते हैं और आसानी से विवाह करना चाहते हैं जिसमें कोई भी परेशानी या उलझन ना आए और बहुत जल्द ही चंद ही दिनों में आपका विवाह हो जाए, तो उसके लिए हम आपके लिए ऐसे ही अचूक उपाय बताने जा रहे हैं। कृपया उपायों को पूरा जानने के लिए वीडियो को भी पूरा देखते रहिए। दोस्तों, जन्म कुंडली में कई ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से कोई भी पुरुष या स्त्री विवाह की खुशी से वंचित रह सकते हैं। कई बार ये रुकावट बाहरी बाधाओं की वजह से भी आती है और उम्र लगातार बढ़ती जाती है और लाख प्रयास के बाद भी रिश्ते नहीं बन पाते हैं, या मनचाहे रिश्तों का तो जैसे अकाल ही पड़ जाता है। इस प्रकार की स्थिति होने पर शीघ्र विवाह के उपाय करने में समझदारी रहती है। इन उपायों को करने से शीघ्र विवाह के मार्ग बनते हैं और विवाह मार्ग की समस्त बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। यहाँ पर हम कुछ बहुत ही आसान किंतु अचूक उपाय बता रहे हैं। तो दोस्तों, शीघ्र विवाह के लिए सोमवार को 1200 ग्राम चने की दाल व 1.25 लीटर कच्चे दूध का दान करने से यह प्रयोग तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि विवाह ना हो जाए। यदि इस तरह का उपाय करते हैं आप हफ्ते में एक या दो बार भी, तो आपके विवाह के योग्य आसानी से खुल जाएंगे। दोस्तों, कन्या जब किसी कन्या के विवाह में जाए और यदि वहां पर दुल्हन को मेहंदी लग रही हो, तो अविवाहित कन्या कुछ मेहंदी उस दुल्हन के हाथ से लगवा ले। इससे विवाह का मार्ग शीघ्र ही प्रशस्त हो जाएगा। इस तरह का उपाय यदि कन्या कर लेती है, तो उसके विवाह के मार्ग में आ रही अड़चनें जल्द ही दूर हो जाएंगी। विवाह वार्ता के लिए घर आए अतिथियों को इस प्रकार बैठाएं कि उनका मुख घर में अंदर की ओर हो, उन्हें द्वार दिखाई नहीं देना चाहिए। यदि इस तरह भी आप अतिथियों को बिठा देते हैं, तो भी विवाह के योग बनते हैं। दोस्तों, विवाह योग्य युवक और युवती जिस पलंग पर सोते हो, उसके नीचे लोहे की वस्तुएं या कवाड़ का सामान कभी नहीं रखना चाहिए। यदि कवाड़ खाना रख देते हैं, तो आपकी जिंदगी भी कबाड़ खाने के समान बनती चली जाती है, और यदि इसको हटा देंगे तो जिंदगी आसान बन जाएगी। कन्या के विवाह की चर्चा करने उसके घर के लोग जब भी किसी के यहाँ जाए, तो कन्या खुले वालों से लाल वस्त्र धारण कर हंसते हुए उन्हें कोई मिष्ठान खिला विदा करे, तो विवाह की चर्चा सफल हो जाती है। और दोस्तों, पूर्णिमा को बट वृक्ष की 108 परिक्रमा करने से विवाह में आ रही सारी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। यदि मंगल दोष के कारण मंगली होने पर किसी भी लड़के या लड़की के विवाह में विलंब हो रहा हो, तो उसके कमरे के दरवाजे का रंग लाल अथवा गुलाबी रंग का कर देना चाहिए, जिससे विवाह के योग्य जल्द बनना शुरू हो जाते हैं। मंगलवार के दिन एक सूखे नारियल में छेद करके उसमें 5 मेवे और थोड़ी पिसी हुई चीनी मिलाकर उसे पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। इससे विवाह में आने वाली समस्त अड़चनें दूर हो जाती है। तो दोस्तों, यहां हमने जाना कि यदि आप प्रेम विवाह शीघ्र ही करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी शादी जल्द ही हो जाए और वो भी बिना किसी उलझन के, विवाह में कोई वादा ना आए, तो हमने आपको इस वीडियो में कई सारे ऐसे उपाय बता दिए हैं जिनमें से आपको जो भी अच्छा लगे उस उपाय को करिए और अपने प्रेम विवाह को शीघ्र सफल बनाइए। और दोस्तों, यदि आप इसी तरह की और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे समाधान प्लस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो या फिर कुछ भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हमारे अन्य मित्र भी इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ उठा सकें।
अब मिलेंगे इसी तरह की और जानकारी लेकर अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।